मेरे साथी, अगर आपका इरादा है 100% का, तो आप अपना 100% इरादा को मत बदलिए ना, सिर्फ आप अपने तरीके को। जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बघेली एजुकेशन में। मेरे साथी, आज हम आपसे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी 2 मिनट बातें करने आए हैं। मेरे साथी, सभी बच्चे इस डाउट में होते हैं कि सर मुझे याद नहीं हो रहा, मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगा। सर मुझे याद नहीं हो रहा, मैं पढ़ूंगा नहीं। सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं याद हो रहा, तो मैं कैसे पढ़ूं? मेरे साथी, मैं आप सबको एक शायरी के माध्यम से बहुत अच्छी लाइन समझाना चाहूँगा, और काफ़ी मैं चाहूँगा कि आपको वो लाइन इतनी अच्छे से समझ में आ जाए कि आप जिंदगी भर उस लाइन को याद रखें। मेरे साथी, प्लीज़ आप लोग लगातार बने रहिएगा, लास्ट में मैं आपसे कुछ बातें भी करूँगा, कुछ आपको बताऊँगा भी। तो मेरे साथी, चलिए मैं आपको वो शायरी बता दूं कि आखिरकार हम कौन सी शायरी से क्या कर सकते हैं। एक ही शायरी आपकी ज़िंदगी पलट सकती है, बस आप वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। वो शायरी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। आप सब कहते भी हैं कि सचिन सर आप शायरी तो बोल ही लेते हैं, पर वो भी मैंने काफ़ी गहराई से सोच के बनाया हूँ, और मेरे मतलब कि काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ। काफ़ी टाइम से बच्चे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मैं याद करता हूँ पर मुझे भूल जाता है ना, तो मैं नहीं पढ़ूंगा सर, ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा सर, बहुत तो इम्पॉर्टेंट है, फिर भी सर मैं मजबूर हूँ, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी आपकी आती रहती है ना, तो उस प्रॉब्लम्स को आज मैंने सॉल्व करने के लिए सोचा कि यार बाबू, मैं अगर एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा तो कन्फर्म है कि आप सबको सही हो जाएगा, है ना। लाइट भी चली गई, अभी जाना था, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, है ना, चलिए उसका भी जुगाड़ हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि आपको इस शायरी के माध्यम से कितना अच्छा समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए ला लो, कोई बात नहीं, है ना, अपनी इमरजेंसी लाइट ऑन हो गई है पर थोड़ी स्लो है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको वो शायरी बता दूँ और आज से आप उस शायरी पर लग जाना है, मीन्स उस शायरी के पीछे आपको भागना है। कैसे भागना है वो आपको देख लेना है, ठीक है। तो देखिए लोग, मैंने लिखा है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो, कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो इरादे नहीं। क्या बदलो मेरे साथी? तरीके बदलो इरादे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही काम करने हैं। आपको इरादे बिल्कुल नहीं बदलना है, सिर्फ आप अपने तरीके बदल दो। अगर आप अपने तरीके बदल देते हो ना, तो सच में बोल रहा हूँ यार, सच्ची में बता रहा हूँ कि आप सिर्फ तरीका बदलो। जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मुझसे लिखते नहीं आ रहा है तो इसको मैंने ऐसे को छोड़ करके मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, या मैंने ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, या मैंने ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना यार, लिख सकता हूँ, ठीक। तो हम अपना इरादा ही बदलने के, मुझे लिखने नहीं, बोर्ड में पढ़ाने नहीं है, अगर मुझसे लिखते नहीं बन रहा है तो मैं ये छोड़ दूँ, सोच लूँ कि अब मुझे पढ़ाने नहीं है, मैं पढ़ाने ही बंद कर दूंगा। ना 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 भाई, आपको सिर्फ आपकी तरीके बदलने हैं, ट्रिक बदलना है। जैसे अगर मान लो मैं मार्कर को इस तरह से पकड़ के लिखता हूँ, और अगर इस तरह से पकड़ के लिख रहा हूँ और ये नहीं आ रहा है मुझसे, राइटिंग नहीं आ रही, तो मैं ऑब्वियसली कि इसको ऐसे कर सकता हूँ, है ना, कोई भी इसमें मेथड लगा सकता, ऐसे कर सकता हूँ, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब मैं सिर्फ इसके तरीके बदल दूंगा। और अगर मैं इसके तरीके बदल दूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि मुझसे बन जाएगा, है ना। तो अपन को तरीके बदलना है मेरे साथी, ना कि इरादा नहीं, कि आप पूरा अपना इरादा ही भूल जाइए कि मुझे कुछ करना था, है ना। तो जैसे आपका इरादा है अगर 100% का, मेरे साथी अगर आपका इरादा है 100% का, तो आप अपना 100% इरादा को मत बदलिए ना, सिर्फ आप अपने तरीके को बदल दीजिए, अपने ट्रिक बदल दीजिए कि हमें आखिर में कैसे पढ़ना है, ठीक है। वो आपकी ट्रिक क्या होगी, आपको किस ट्रिक में पढ़ना है, या तो आप अपने से फाइंड करो, अपने से क्रिएट करो, अपने से बनाओ। अगर आप अपने से नहीं बना पा रहे हो तो आपको, मैं हूं ना यार, मैं तो अभी जिंदा हूं, काम मर थोड़ी ना गया, टपक तो गया नहीं हूं, अभी भी मैं जिंदा हूँ। जब मैं जिंदा हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर मुझे कुछ आइडिया दे दीजिए, सर मुझे कुछ बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आप सबका मैसेज रीड करूंगा, सबको मैंने रिप्लाई दूंगा, सबका मैंने कॉल रिसीव करूंगा। कति कारण बस अगर मैंने तुरंत नहीं रिसीव कर पाया तो कुछ टाइम बाद मैं जरूर, जैसे ही फ्री हो जाऊंगा तो आपको मैं जरूर कॉल करूंगा, है ना। तो आप करिए तो पहले, जब आप करेंगे नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा मेरे साथी,
है ना। तो आपको अगर एक बार अपने से तरीके बनाइए, अगर आपको उस तरीके में भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं जिंदा हूं अभी, मरा नहीं हूं, है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप एक कोई मुझे तरीका बता दीजिए। और जैसे आपके मुझे कुछ कमेंट आ गए कि सर तरीके बता दीजिए कि हमें कैसे पढ़ना है, तो मैं बिल्कुल आपको एक अच्छे तरीके से बता दूंगा। कि आपके पास टाइम भी कम है ना, लगभग आज 6-7 जनवरी है ना, तो कन्फर्म है कि आपको 10 जनवरी से कैसे पढ़ना है और किस तरह से आपको पढ़ना है, 7 जनवरी से कैसे आप पढ़ें, आपका रिजल्ट कैसे आए, आज से ही पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, है ना, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मेरे साथ ही, हमें उम्मीद है कि इस पूरी शायरी को आप अमल करेंगे, है ना, कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो इरादे नहीं, और आप अपने तरीके बदल देंगे, ये मुझे अपने दिल से ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप जरूर अपने इरादे बदल सॉरी तरीके बदल देंगे, है ना। तो बिल्कुल आप लोग अपना तरीका बदलिए, और अगर तरीके बदलने में आपको प्रॉब्लम जा रही है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप पढ़िए, तो आपका 100% रिजल्ट आपका आ जाएगा। और 100% रिजल्ट आ जाएगा तो मुझे भी खुशी हो गया कि मेरे स्टूडेंट ने टॉप किया, अच्छा रिजल्ट लाया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मेरे साथ ही आप सबको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10th और 12th, जो अपने स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम देंगे, है ना, कौन से एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए मेरे साथ ही 10th और 12th वाले बच्चों के लिए है कि मैंने प्ले लिस्ट बना लिया हूँ, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं कि पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना, तो आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी विजिट करिए और वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथ ही, फिर मिलता हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो।